हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास 10+1 इकोनॉमिक्स। माय नेम इज मनीत फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई सेरगढ़। हम प्लस वन इकोनॉमिक्स कर रहे थे, आज का सेकेंड चैप्टर कर रहा था, तो इसका आज पार्ट 4 रहेगा। ठीक है, हम कर रहे थे मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इसमें हमारे पास दो विधि थी, एक थी हमारे पास सेंसस मेथड विधि, उसके अंदर क्या था वो जनगणना विधि थी। ठीक है, टोटल को ही चेक करते थे। आज आ जाएगा सैम्पलिंग में प्रत्यक्ष वृद्धि, मतलब टोटल में से कुछ हिस्सा उठाएंगे और उसके बारे में चेक करेंगे। ठीक है, जैसे ब्लड सैंपल ले जाता है तो इसमें क्या होता है, इससे हमारे टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, उसमें से एक बंदे को उठाया और उसके बारे में सारी हमने जानकारी कलेक्ट की। ठीक है, और उससे टोटल का हमने अंदाजा लगाया, तो वो क्या होता है हमारे पास सैंपल मेथड होता है। ठीक है, समझाया। सैंपल मेथड क्या होता है, टोटल में से कुछ हिस्सा उठाते हैं और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो हमारे क्या आ जाएगा, सैंपल मेथड आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी उपयोगिता यूज़ कहाँ होता है, ये वाइड एरिया कैन बी कवर। इसकी उपयोगिता मतलब कि ये फायदेमंद कहाँ रहेगा, वाइड एरिया कैन बी कवर, इससे क्या होता है हम बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वो कोई भी वैसे नहीं आएगा कि छोटा छोटा एरिया का कवर करना पड़ेगा हमें, तो टोटल एरिया कवर कर लेंगे। ठीक है, नो नीड ऑफ क्यूरेट, जहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छाई की मतलब ज़्यादा सच्चाई की जरूरत ना हो, ज़्यादा एक्यूरेसी की जरूरत ना हो। नो नीड रियलिटी, रियलिटी मतलब विश्वसनीय है कि जरूरत ना हो कि इस पर यकीन करना पड़ेगा, वो ओनली अंदाजे के लिए ही हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें ये आगे इसकी उपयोगिता। अब इसके कुछ मेरिट और डीमेरिट, कुछ लाभ और कुछ हानियाँ हैं। पहला आ जाएगा इसका मेरिट, इकोनॉमिकल मतलब खर्चा कम आएगा। ठीक है, टोटल में से कुछ हिस्सा उठा रहे हैं उसके बारे में हम जांच कर रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या आएगी, कम आएगी। सेविंग ऑफ टाइम, समय की बचत होगी। ठीक है, क्योंकि टोटल हिस्से में से कुछ हिस्सा उठा रहे हैं तो उसमें कलेक्ट करने में टाइम भी कम लगेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, एरर मतलब गलतियों को पता लगा सकते हैं। जैसे टोटल को हम चेक करेंगे जनगणना विधि के अंदर, तो कोई गलती है तो सभी को दोबारा चेक करना पड़ेगा, उसमें दिक्कत आएगी। सैंपलिंग मेथड में एक को उठाया उसकी दोबारा जांच कर देंगे हम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर मतलब गलती का आसानी से पता लगा सकते हैं। लार्ज इन्वेस्टिगेशन, एक बड़े लेवल पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, वाइड एरिया कैन बी कवर। मोर साइंटिफिक, साइंटिफिक मतलब कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक तर्क हैं जिनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सैंपलिंग मेथड यूज करते हैं, जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एक साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे। ये होगी इसकी मेरिट। ठीक है, मतलब कि खर्चा कम आएगा, टाइम की बचत होगी, गलती का पता लगा सकते हैं, बड़े लेवल पर हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी कुछ डीमेरिट्स है, कुछ हानियाँ। पहले क्या पोर्शन में था कि भेदभाव, अब किसी एक को चूज किया जैसे स्कॉलरशिप मॉनिटरी को चूज किया, तो वो हो सकता है पूरी जानकारी ना दे, वो किसी से कोई भेदभाव करे, मतलब कि कोई बातें छुपाए अपनी। ठीक है, या गलत जानकारी दे, उसके अंदर क्या होगा, ये हमारा सैंपल मेथड कामयाब नहीं होगा। रॉन्ग कंक्लूजन, रॉन्ग कंक्लूजन मतलब कि जो विचार है वो गलत भी हो सकता है, जो हमने चूज किया वो हो सकता है सही हमें राय ना दे रहा हो। ठीक है, डिफिकल्टी चूज मेथड, अब सैंपल मेथड हमने बोल दिया लेकिन इसके सैंपल का मेथड भी अलग है, रैंडम है, अलग अलग है, तो कौन सा मेथड यूज करें, इसमें भी डिफिकल्टी आती है। ठीक है, तो समझ आया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।